शहर में अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, पुलिस लाख दावे कर ले, लेकिन बदमाशों में पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं है। ताजा मामले ने एक बार फिर इसे साबित कर दिया है, जिसमें भाजपा नेता और उसके साथी ने शराब के नशे में पुलिस कांस्टेबल के साथ मारपीट की और इतना ही नहीं, उसकी वर्दी भी फाड़ दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल नाहर दरवाजा थाने पर पदस्थ आरक्षक 899 रामेंद्र भदौरिया की ड्यूटी डायल 100 FRV 17 पर शुक्रवार सुबह 8 से रात 8 बजे तक थी। ड्यूटी समय खत्म होने पर भदौरिया घर जा रहे थे, तभी माता टेकरी द्वार के सामने भगवती सराय के पास भाजपा नेता संजय सोनी उर्फ गुड्डा और उसके साथी सुमित कटारिया निवासी तुकोगंज रोड ने कार से ओवरटेक कर आरक्षक को रोका। दोनों ने गलत तरीके से गाड़ी चलाने को लेकर आरक्षक के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। आरक्षक ने घटना का पॉइंट वायरलेस पर दिया, तब अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। इसके बाद गुड्डा सोनी मौके से भाग निकला और पुलिसकर्मियों ने सुमित को कुछ दूरी पर जाकर पकड़ लिया। हालांकि बाद में गुड्डा सोनी भी पकड़ा गया। इधर मामले की जानकारी लगते ही हाट पिपलिया विधायक मनोज चौधरी के भाई बलराम चौधरी आरोपियों के समर्थन में थाने पहुंचे और उन्हें छुड़वाने की जद्दोजहद में लग गए। जब मीडिया कर्मियों ने विधायक के भाई बलराम चौधरी से सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। भैया किसके लिए आए हैं? बलराम भी आएगा। आप कोई बात नहीं, गुड्डा सोनी जी के लिए। गुड्डा सोनी जी, क्या मामला हो गया उनका? कुछ नहीं है, छोटी मोटी बात। आप विवाद हो जाते हैं यार। क्या किसी पुलिस कर्मी को मारा उसने? सुनने में नहीं नहीं नहीं, किसने बोला पुलिस कर्मी को मारा? हमने देखा वीडियो हमारे पास। नहीं नहीं, कहां है? बहरहाल नाहर दरवाजा पुलिस ने आरक्षक रामेंद्र भदौरिया की रिपोर्ट पर संजय उर्फ गुड्डा सोनी पिता मदनलाल सोनी और सुमित पिता अशोक कटारिया निवासी तुकोगंज रोड के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले में फरियादी आरक्षक रामेंद्र भदौरिया ने घटना की जानकारी देते हुए बताया, मैं ड्यूटी खत्म करके अपने घर जा रहा था, ठीक है, इनने मेरी गाड़ी ओवरटेक करी, गाड़ी बराबर पे लाए भोपाल चौराहे पे, ठीक है, और गाली गलौज करते हुए बोला कि कैसे गाड़ी चला रहे हो तुम। मिला क्या हो गया? बोले गाड़ी साइड में लगा। मैंने भगवती सराय के यहाँ गाड़ी साइड में लगाई, जिसमें से संजय सोनी गुड़ा उसको वो गाड़ी में से निकला और सीधे मेरी कॉलर पकड़ी, ठीक है, और मुझे गाड़ी से बाहर खींचा, वो गाली गलौज करना चालू कर दिया। इसके साथ में जो व्यक्ति था एक और सुमित, वो आया, उसने सीधे मेरे को थप्पड़ मारे और मारपीट लात घूंसों से और ये कॉलर ये सब फाड़ दी और सीन ये गर्दन पे निशान वगैरह, मतलब मेरे साथ मारपीट करी गई। दोनों ने मारपीट? दोनों ने मेरे साथ। आप कैसे थे? मैं कार से था। अच्छा, फिर क्या करा आपने? मैंने साइड पे कॉल करा अपने थाने को, जिस समय थाने से फिर जो टीम थी वो आई। इधर एसपी ने भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। थाने का जवान जब ड्यूटी से वापस घर लौट रहा था, उस दौरान किसी व्यक्ति से उसके साथ झूमा झटकी और हाथापाई की घटना हुई थी, उसमें क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है, शासकीय कार्य में बाधा का केस दर्ज किया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके शाम को जेल भेज दिया।